वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। देख लेते हैं कलेक्टिव की रेडीज क्या है, प्लीज गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव कमेंट यहाँ पे देखी जाए, प्लीज सारी एनर्जी रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हर तरह की एनर्जी, हर तरह की नेगेटिविटी ब्लॉक है यहाँ पे। तो कलेक्टिव की एनर्जीज में है यू मिस समवन, ओके। तो या तो आप किसी को मिस कर रहे हैं, या फिर आपके पास्ट का कोई पर्सन आपकी एनर्जीज में है, जो कि इस टाइम पीरियड में आपके साथ में जबरदस्ती लीचिंग कर रहा है। क्योंकि इस चैनल पे होती है स्पेल वर्क की बातें, साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की बातें, एनर्जी मैनिपुलेशन की बातें, ब्लैक मैजिक की बातें। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके एनर्जीज में ये क्या बातें हैं, तो ये वीडियोज, ये रीडिंग्स, ये चैनल आपके लिए नहीं है। क्योंकि मेरी कोशिश है मैं उन लोगों की मदद कर सकूं जो कि इस एनर्जी से पीड़ित हैं, या फिर उनका मैनिपुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है ये चीजें आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो अपने हिसाब से सोच समझ कर अपने डिसीजन लीजिएगा। टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर ना आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, और ना ही आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। आप जो भी कहते हैं, करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, देखिए समझदारी वाली बात यही है कि उन सब चीजों की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। जो चीजें रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना उनको जाने दीजिएगा। बॉटम ऑफ द डेक के ग्लैमर इंटरव्यू ड्रामा, ओके। ये कार्ड रिपीट हुए हैं, मतलब पहले रीडिंग्स में आए हैं ये वाले भी। तो देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इन मैसेजेस के द्वारा, किस डेक को यूज करना चाहिए। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। तो एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग कार्ड्स का, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स का यूज कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, फर्स्ट कार्ड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी हेल्प के लिए। नेपच्यून की एनर्जीज हैं, योर फैंटेसीज, यर्निंग्स, लॉन्गिंग्स एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूजन। तो यहाँ पे कोई आपको इल्यूजन दे रहा है, या दे सकता है, या इस तरह का कोई मैजिक हो सकता है आपके ऊपर, जिसमें आप किसी को मिस कर रहे हैं। यानी कि कोई आपको ये इल्यूजन देने की कोशिश कर रहा है आपकी ड्रीम स्टेट में, या फिर आपके ड्रीम को मैनिपुलेट किया है किसी ने, या कोई करने की कोशिश कर रहा है कि आप किसी को मिस कर रहे हैं, या फिर आप इस तरह की जो आपके पास्ट से रिलेटेड एनर्जीज हैं, आप उनको लेके कहीं ना कहीं फैंटेसीज कर रहे हैं, आप उनको लेके फैंटेसी कर रहे हैं, या फिर आप उनके बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपको ऐसे सपने आ रहे हैं। ये कार्ड जो है यहाँ पे सेक्स मैजिक की बात करता है, डेफिनेटली आपके ड्रीम मैनिपुलेशन की बात करता है, आपकी स्लीपिंग पैटर्न की बात करता है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, सेकंड कार्ड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी हेल्प के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को। थैंक यू सो वेरी मच आपकी हेल्प के लिए। जोडिक साइन है यहाँ पे टॉरस। द एनर्जी अराउंड यू शोज द एबंडेंस ऑफ नेचर, इट इज रिच, अर्थली एंड प्रोडक्टिव, येट रिलैक्स एंड स्लो। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई आपकी एनर्जीज को, आपके एबेंडेंस की एनर्जीज को कोई यहाँ पे इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जिस तरह से आप प्रोड्यूस करते हैं, या फिर जिस तरह से आप चीज़ों को बनाते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, तो आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में स्टेबल ना हो पाए। आपको कोई प्रेजेंट मोमेंट में स्टेबल नहीं देख सकता, या नहीं देख सकती। आपके प्रेजेंट मोमेंट को, आपकी प्रेजेंट लाइफ को कोई खराब करना चाहता है, या चाहती है, ये इंसान चाहता है कि, या चाहती है कि आप अपने इल्यूजन्स में रहें, या अपने भ्रमों में ही अपने जीवन को जिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थर्ड कार्ड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। ट्रांजिशन टू दिस प्रिट्रिया, थैंक यू सो वेरी मच आपकी हेल्प के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लिब्रा की एनर्जीज हैं, दिस एनर्जी इज डिप्लोमेटिक एंड ग्रेशियस, इट सीक्स हार्मनी एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई आपके ऊपर ब्रेकअप स्पेल्स कर रहा है, या कर रही है, या फिर आपके रिश्तों को, आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी हैप्पीनेस को, आपके वीनस को इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या कर रही है, या मैनिपुलेशन उसमें कर रहा है, या कर रही है। द 12th हाउस, दिस इज द एरिया ऑफ योर लाइफ दैट इज ओवरवेलमिंग यूर, यू येल टू अ ग्रेटर कॉज और पावर। तो यहाँ पे कोई आपकी लाइफ में, आपके जो भी आप यहाँ करने आए हैं अपनी लाइफ पर्पस में, कोई आपकी उस
उस एनर्जीज के अंदर कोई ड्रामा क्रिएट करना चाहता है या चाहती है, या फिर उसको ब्लॉक कर देना चाहता है या ब्लॉक कर देना चाहती है। ठीक है, देखते हैं क्या है आपकी एनर्जीज। तो कोई ये नहीं चाहता है कि आप अपना फुल पोटेंशियल देखें, या फिर अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी पार्टनरशिप में हैं, ये पार्टनरशिप किसी के साथ भी हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, ये पार्टनरशिप आपकी किसी के साथ भी हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, आपके आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपका कोई बिजनेस हो सकता है, आपका लाइफ के साथ में, डिवाइन के साथ में, अर्थ के साथ में, किसी भी चीज़ के साथ में जहाँ आपकी पार्टनरशिप है, कोई उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। डेफिनेटली यहाँ पे मून मैजिक है, मीडिएटर, तो यहाँ पे लाइट एट्रीब्यूट्स हैं इसके। गिफ्ट फॉर निगोशिएशन फेयरनेस एंड स्ट्रेटेजी इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, रेस्पेक्ट फॉर बोथ साइड्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। ओके, शेडो एट्रीब्यूट्स हैं इसके, निगोशिएटिंग विद एन अल्टीरियर मोटिव और हिडन एजेंडा, आइदर पर्सनली और प्रोफेशनली। तो यहाँ पे किसी का डेफिनेटली हिडन एजेंडा है, क्योंकि ये कार्ड इल्यूजन की बात करता है, अदरवाइज मैं इसके लाइट एट्रीब्यूट देखती। ये कार्ड ऑलरेडी आपके पोटेंशियल में, आपके भ्रम की बात करता है, जब आप रियलिटीज की जगह भ्रम में जीना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ये एनर्जीज हैं, ये क्लियरली इस बात को बता रही हैं कि किसी का हिडन एजेंडा है, उसका पर्सनल या प्रोफेशनल किसी पर्सन का, जो कि आपको आपके पास्ट के साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये मीडिएटर इंसान बनने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ये इंसान आपके अतीत के साथ में आपको जोड़ना चाहता है या चाहती है, ताकि आप बिल्कुल भी अपनी किसी चीज़ से या अपनी लाइफ की किसी भी नेगेटिविटी से कभी बाहर निकल के ना आ सके। या फिर कोई इंसान इस इंसान की हेल्प ले रहा है या ले रही है, या ये जबरदस्ती इंसान बीच में मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सर्वेंट का यहाँ पे मैसेज है, डिलाइट इन सर्विंग अदर्स विद अ फ्री एंड लविंग हार्ट, किसी की सेवा करना, किसी की मदद करना। शेडो एट्रीब्यूट्स हैं इसके, यूजिंग द लैक ऑफ मनी एज एन एक्सक्यूज नॉट टू मूव फॉरवर्ड विद लाइफ। तो यहाँ पे देखिए एवेंडनेस का कार्ड है, वहाँ ब्रेकिंग डाउन का कार्ड है, यहाँ पे सर्वेंट का कार्ड है। तो यहाँ पे कोई इस चीज़ को एक्सक्यूज बना रहा है अपनी लाइफ में किसी चीज़ के ना होने का, या कोई ये चाहता है कि आपकी लाइफ में ये एक्सक्यूज आए कि आपके पास पैसे नहीं है, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए आप फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं कर सकते। क्योंकि टॉरस और लिब्रा दोनों ही कार्ड बहुत ही एबेंडेंस की एनर्जीज के हैं, और यहाँ पे लैक की बात हो रही है। तो यहाँ पे किसी का प्रोफेशनल या पर्सनल एजेंडा है आपको ये महसूस कराने के लिए कि आपके पास लैक है, आपके पास कमी है, आप अपने ग्रेटर कॉस्ट में या फिर जो आप अपने डिवाइन पर्पस में है उसमें आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपके पास पैसों की कमी है, या आपका बजट नहीं है, या फिर आप किसी चीज को कर नहीं सकते। बेसिकली कमी है किसी चीज की। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये कार्ड ऑलरेडी रिवर्स में ही है, तो इसके लाइट शेडो एट्रीब्यूट्स ही देखेंगे। डिपेंडेंस ऑन अदर्स टू द एक्सक्लूजन ऑफ एफर्ट। तो कोई ये चाहता है कि कोई आप किसी पे डिपेंडेंट रहें, किसी के साथ, किसी पार्टनरशिप या रिलेशनशिप में किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहें। क्या करें ऐसे लोगों का भाई। थीफ का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक थीफ का कार्ड है। ये कार्ड कहता है लाइट एट्रीब्यूट्स हैं इसके, शेड्स लाइट्स ऑन द पोटेंशियल वेल्थ विद इन यू दैट कैन नेवर बी स्टोलन। शेडो एट्रीब्यूट्स हैं इसके, स्टीलिंग मनी, क्रिएटिव आइडियाज, अफेक्शन और अदर पावर्स यू थिंक यू लैक। तो कोई आपके इस ग्रेटर कॉज के ऊपर इस तरह का ड्रामा करके आपकी एनर्जीज को, आपकी लाइट को चुरा लेना चाहता है, जो कि चलता आ रहा है पिछले काफी लॉन्ग टाइम से, यही चलता आ रहा है रीडिंग्स के अंदर की एनर्जीज को चुराने की कोशिश ही है। कामयाब तो नहीं होगी, अगर आप अपनी एनर्जीज में बैलेंस में हैं तो ये चीज़ें कामयाब नहीं होंगी। कर्मा जो है रिलीज हो रहा है इससे आपका, जो मैं यहाँ एक बात समझ पाई हूँ, आपका कर्मा लगातार रिलीज होता जा रहा है। जितना भी ये आपकी एनर्जीज पर एनर्जी लीचिंग हो रही है या लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका कर्मा रिलीज होता जा रहा है और होता जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं पुत्रों के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। Cancel, clear, delete. Use only positive words and thoughts as they are rapidly manifesting into form. Ask the angels to cancel the effects of past negative thinking. तो अगेन जैसे मैंने कहा, पास्ट का कोई पर्सन ये है जो कि आपको आपके पास्ट के साथ देखिए या तो जोड़े रखना चाहता है, या इस इल्यूजन में रखना चाहता है कि या रखना चाहती है कि आप पास्ट में खुश थे, या पास्ट में आपने अपनी लाइफ को लेकर अगर कोई नेगेटिव थिंकिंग की है तो आप उसी तरह से आज भी सोचें और आज भी करें।
तो आपको उन सारी बातों को कैंसिल क्लियर और डिलीट करने की ज़रूरत है। यानी कि आपको सिर्फ पॉजिटिव अपने एंजल्स से कहिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि पास्ट में अगर आपने कुछ भी अपने लिए बुरा बोला है, बुरा सोचा है, बुरा मैनिफेस्ट किया है, तो प्लीज़ उसको कैंसिल क्लियर और डिलीट किया जाए, यानी कि उसे ख़त्म कर दिया जाए, आपकी एनर्जी से साफ कर दिया जाए और हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाए। और आपको पॉजिटिविटी और अच्छी एनर्जीज दी जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डिवाइन मदर नर्चरिंग कंपैशन और ग्रेस की एनर्जीज है यहाँ पे। तो देखिए, हालांकि यहाँ पे डिवाइन मदर का कार्ड है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ पे हैं उसके हिसाब से ये है कि एक आपकी अबेंडेंस की एनर्जीज है, लेकिन दूसरा क्योंकि यहाँ पे शेडो एट्रीब्यूट्स के कार्ड हैं, ये कोई पर्सन अगेन ये तीसरी चौथी रीडिंग है जिसमें मदर की एनर्जीज या मदर फिगर की एनर्जीज आ रही हैं। क्या ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि पैस जिसमें या तो देखिए आप इस एनर्जीज में हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान इस एनर्जीज में है जो कि ये चाहता है, डिवाइन मदर की एनर्जीज में नहीं, मदर की एनर्जीज में लेकिन शेडो साइड में, जो कि या तो पैसे को एक्सक्यूज बनाता है अपने जीवन में आगे बढ़ने का कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि कंपैशन और ग्रेस की एनर्जी से नहीं आता है या नहीं आती है, लेकिन फिर भी आपकी क्योंकि यहाँ डिवाइन मदर का कार्ड है तो डेफिनेटली मदर वुंड्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पर आपकी डिवाइन फेमिनाइन की बात है, यानी कि आपकी कोई ये कोई इंसान ये चाहता है कि आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज में ना रहें। जो लोग भी आपकी एनर्जीज पे पास्ट की एनर्जीज में थीव हैं, वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज में, यानी कि नर्चर करने वाली एनर्जीज में रहें। अगर आप अपनी नर्चर करने वाली एनर्जीज में रहेंगे, आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा कहेंगे, अच्छा सुनेंगे, तो आप एबेंडेंस की एनर्जीज में जाएंगे और वीनस आपका कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, क्योंकि वीनस जो है शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह आपको रिश्ते और धन दौलत वैभव सभी देता है। जब आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज में होते हैं तो आप नर्चर करते हैं, आप बनाते हैं, आपके अंदर कंपैशन होता है, ग्रेस होता है, लेकिन यहाँ पे कोई इंसान ऐसा नहीं चाहता है। अगर पास्ट में आप वुंडेड थे या पास्ट में आप बुरा बोल जाते थे या फिर आप कुछ और बोल जाते थे, तो कोई इंसान यहाँ पे यही चाहता है या चाहती है कि आप बुरा ही बोलें, आप बुरा ही करें, या फिर आपसे बुरा ही हो और लोग आपकी आपको डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज में ना देखकर आपको बैगर की या सर्वेंट की एनर्जीज में देखें, या फिर पास्ट में आप जिस तरह से रहे हैं उसी की एनर्जीज में देखें, क्योंकि यहाँ पे ग्लैमर मैजिक या मून मैजिक है। ठीक है, तो आप अगर किसी के साथ बुरा बोल रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, कड़वे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड बन रहे हैं, थोड़ा आराम से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गलत करना चाहते हैं, कई बार हम स्पष्ट शब्दों में जब कुछ बोलते हैं या बोलना चाहते हैं तो हमें लगता है हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। कम आउट ऑफ द क्लोजेस्ट, तो यहाँ पे कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पे आपको शाइन होना है, लेकिन यहाँ पे लोग आगे नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, लोग ये चाहते हैं कि आप सबसे पीछे रहें और छुप के रहें, आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। आपकी एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म कर रही है, ये कोई पर्सन ऐसा है जो ये चाहता है कि आप हमेशा दूसरों के ऊपर ही डिपेंडेंट रहें और आप अपनी लाइट को शाइन ना करें। डीप इमोशंस, अननोन फीलिंग्स, पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस, आपके सामने ही कार्ड गिरा है अगर आपने देखा है तो। पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस डेफिनेटली ये कोई ऐसी चीजें हैं जो पास्ट से आती हैं या पास्ट के लोगों से आती हैं, जहां पर कोई इंसान आपको आज की तारीख में बुरा बनाना चाहता है या बनाना चाहती है और यही चाहता है या चाहती है कि आप गलत व्यवहार करें, गलत तरीके से बोलें, लोगों की बेइज्जती करें या फिर आप कड़वा बोलें। पास्ट लाइफ के इन्फ्लुएंसेस हैं, पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं और इस लाइफ के पास्ट के भी हो सकते हैं। मैनिफेस्टेशन पावर है बॉटम ऑफ द डेक। यूज योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड नेचुरल एबिलिटीज टू अट्रैक्ट योर डिजायर्ड आउटकम, क्योंकि यहाँ पर आप ऑलरेडी हैवी एनर्जीज में हैं, यानी कि अच्छी एनर्जीज में हैं और लोग नहीं चाहते हैं कि आप इसका यूज करें। अपनी विजडम को यूज कीजिएगा, यानी कि अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंसिस को यूज कीजिएगा। तो चूंकि यहाँ पे है ग्लैमर मैजिक, तो हम लेते हैं चैनल डेक। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं, दे डोंट वॉन्ट यू टू से ट्रूथ, कटिंग यू विद एवरी वन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आप सच नहीं कहेंगे, आप चुप रहेंगे, आप अपनी बातें अंदर रखेंगे, इसलिए अगर चाहे आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, चाहे आपका नहीं है, चाहे आप रिश्तों में हैं, चाहे आप कहीं पे हैं, तो ये आपसे दो चीज़ें चाहते हैं ये बेसिकली ये लोग फिलहाल के लिए,
दिस ग्रुप ऑफ पीपल डोंट इवन लाइक ईच अदर, एग्री ओनली ऑन डिसलाइकिंग यू, दे आर हर्ट बाई यूर कॉन्फिडेंस. तो यहाँ पे कोई लोग जो आपकी कॉन्फिडेंस और आपकी लाइट से, लास्ट शेडिंग में भी यही था, डार्क मैजिक कर रहे हैं आपके ऊपर, ताकि आप अपने फुल पोटेंशियल को ना देख सकें, आप कुछ भी अचीव ना कर सकें. और ये लोग एक दूसरे को भी पसंद नहीं करते हैं और सिर्फ आपको ना पसंद करते हैं इसलिए साथ में हैं. ठीक है, अच्छी बात है. तो ये आपके पास्ट के लोग हो सकते हैं जो ग्रुप बनाकर आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं. ये आपको ये नहीं चाहते हैं कि आप सच कहें, चाहे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं. जैसे कुछ लोग मेरा यहाँ मुंह बंद करने की या करवाने की कोशिश करते हैं बार 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 और बार बार. तो इसी तरह से आपके साथ होता होगा कि आपका मुंह बंद करवाने की कोशिश है कि आप सच ना कहें. और आप कड़वा बोलें तो आपको सब बुरा समझेंगे, आपको सब गलत समझेंगे, क्योंकि सच बोलने वाले को हर एक इंसान गलत कहता है, सुनता है, समझता है और बोलता है कि वो इंसान गलत है. तो आपको, आपके मुंह से कड़वा कहलवाना चाहते हैं, कड़वे शब्द, कड़वी बातें, ताकि लोग आपको बुरा कहें और आपका जो रिश्ता है वो सबके साथ खराब हो जाए. तो यहाँ पे किसी ने ये आपके लिए डिसाइड किया है पास्ट से. पास्ट में भी हो सकता है आपके साथ ऐसा हुआ हो और अभी भी आपके साथ यही सब करने की कोशिश चल रही है. थैंक यू सो वेरी मच रेडी, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए. यू आर इंट्यूटिव, तो आप इंट्यूटिव हैं इसलिए आप अपनी इंट्यूशंस का, अपनी फेमिनाइन एनर्जी का यूज कीजिए. थैंक यू सो वेरी मच. आपकी, आपके पास बहुत विस्टम है, आप बहुत ज्ञानी इंसान हैं, आपको पता है आपके आसपास लोग कैसे हैं. थैंक यू सो वेरी मच डिव. बैनिशिंग योर डिजायर टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और योर इमोशंस रिलेशंस. मैंने अभी आपसे क्या कहा था, रिलेशंस की बात कही थी ना, आपकी, आपके ऊपर वो डार्क मैजिक डाला जा रहा है जिससे आपके अंदर से ही ये चीज खत्म हो जाए कि आप खुद का ख्याल रखें या फिर आप अपने इमोशंस की या अपने रिलेशंस की केयर करें. आपको कड़वा बनाने की, बेसिकली क्वीन ऑफ सोर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि आप बुरा व्यवहार करें, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड ऐसी ही होती है जब वो सभी के साथ मार काट करती है, यानी कि वो सभी के साथ में सबको सबसे क्लियर बात करती है, सच कहती है, कड़वी बातें कहती है और सबके साथ सब झगड़ने के लिए तैयार होती है. दिस कार्मिक ग्रुप ट्राइंग टू मेक यू मैड. तो ये आपके ऊपर, आपको मेंटली कहीं ना कहीं हैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं एनर्जेटिकली, या आपकी स्लीपिंग पैटर्न के साथ में हो सकता है कर रही हूँ. ये ऑलरेडी डेड पास्ट, आपके डेड पास्ट से आते हैं ये कार्मिक ग्रुप जो भी है. इस कार्मिक ग्रुप के अंदर पाइसेस, लिब्रा, यानी कि मीन, तुला, वृश्चिक, मिथुन, मेष, सिंह और सेजिटेरियस धनुराशि के लोग, इनका सन मून राइजिंग ये हो सकता है. या फिर साथ ही साथ ये आपकी जो भी आपके, जिन भी कुंडली के अंदर, आपके चार्ट के अंदर ये जहाँ पे भी होंगे ये सारी राशियाँ, उन सबको इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो चेक कीजिएगा. थैंक यू सो वेरी मच डियर मैम. ओके, थैंक यू सो वेरी मच. Want to change your way to approach towards life. तो आपकी अप्रोच को चेंज करना चाहते हैं ताकि आप जीवन को देखने के नजरिए को चेंज कर सके. बहुत बढ़िया, थैंक यू सो वेरी मच. इसमें से कई मैसेजेस इस चैनल डेक में से पहली बार आए हैं. This person is will confusing you to stay in some sort of weird dynamic with them. तो यहाँ पे कोई इंसान आपको ये कन्विंस करना चाहता है, ये चाहती है कि आप इसके साथ में किसी तरह के रिलेशनशिप में रहे या फिर आपको इसके साथ रहना ही पड़ेगा. ये जैसे ना, अगेन वही एनर्जीज हैं, आपका पास्ट और पास्ट के लोग खत्म हो चुके हैं, लेकिन कंकाल बन गया है आपका पास्ट, लेकिन फिर भी आपके साथ जुड़े रहे हैं, चिपके हुए हैं, एनर्जी पे लीज कर रहे हैं, पड़े हुए हैं, कुछ नहीं है इनके पास अपना करने के लिए, जबरदस्ती आपके आपके साथ में जुड़ रहे हैं. या फिर ये आपके प्रेजेंट में भी कुछ लोग हो सकते हैं. समवन वांट टू कनेक्ट विद यू टू डिस्ट्रॉय यू. तो ये इंसान आपको अपने साथ जोड़कर आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ये चाहती है. दे विल मेक स्टोरीज अबाउट देम, विल आस्क फॉर हेल्प, रीडिंग, गाइडेंस, हीलिंग, विल एग्री टू पे यू. तो ये इंसान आपको, आपके साथ जुड़कर आपके साथ लंबी बातें, जैसे मैंने कहा था, देखिए एक रीडिंग में मैंने आपको बताया था कि सर्वेंट की एनर्जीज हैं, ठीक है. कुछ कुछ रीडिंग्स अलग अलग जा रही हैं, यानी कि यहाँ पे वो मैसेजेस हैं. तो एक सर्वेंट की रीडिंग आप दे सकते हैं, ये वाला मैसेज इस सर्वेंट के साथ जाएगा. ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है या चाहती है ताकि ये आपको डिस्ट्रॉय कर सके, आपसे बातें कर सके लंबी लंबी. ये अपने बारे में कहानियाँ बनाएगा या ये कहानी अपने बारे में बनाएगी. आपसे मदद मांगेंगे, या अगर आप कोई रीडर हीलर हैं या फिर किसी तरह से आपसे कहेंगे हमें सलाह दे दो, मशवरा दे दो, हमारी हीलिंग कर दो, हमारी रीडिंग कर दो, या फिर आपका जो भी एरिया होगा काम का, आपकी, आपके लिए, हमारे लिए प्रेयर कर दो, कुछ और नहीं है तो.
या हमारी बात सुन लो, तो ये जो कुछ भी आपके साथ करने की कोशिश करेंगे, ये कहानियाँ बनाएंगे और आपसे मदद मांगने की कोशिश करेंगे या करेगी, और अगर आपको पैसे भी देने पड़े तो ये पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे या हो जाएगी। विल ऑफ हायर बींग्स, तो इनकी विल से कुछ नहीं चलेगा, जो भी चलेगा हायर बींग्स की या फिर डिवाइन की विल से चलेगा। इसलिए आपको इनके बारे में ज़्यादा सोचने की या ज़्यादा इनके ऊपर अपनी एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। एट ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, तो ये चीज़ें पहले ही, बहुत पहले ही खत्म हो चुकी हैं, मूव ऑन करने का कार्ड है। देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इस इंसान के साथ आपका डेफिनेटली इमोशनल ब्रेकअप टाइप की एनर्जीज हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान ना जैसे लगातार आपका पीछा कर रहा है या कर रही है, या करवा रहा है या करवा रही है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप किससे मिल रहे हैं। और इसमें मैजिशियन डेफिनेटली इन्वॉल्व है, अदर स्टेट का, अदर कंट्री का, या फिर आपसे अलग स्टेट या अलग कंट्री का। ये इंसान जो भी ये लोग करना चाहते हैं, ये कुछ ऐसा है जैसे आप आगे बढ़े, फिर आपको अपने रास्ते में एक रोड़ा मिला, पत्थर अटका हुआ मिला, पहाड़ मिला, फिर आप आगे बढ़े, फिर आपको एक नई मुसीबत मिली, फिर आप आगे बढ़े, फिर आपको एक नई मुसीबत मिली, फिर आप आगे बढ़े, फिर आपको एक नई मुसीबत मिली। ये कुछ ऐसी एनर्जी क्रिएट करना चाहते हैं या कर रहे हैं आपके लिए, कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे एक ऑब्स्टिकल आपको मिलेगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे फिर एक ऑब्स्टिकल मिलेगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे फिर एक ऑब्स्टिकल मिलेगा। बेसिकली ये आपकी एनर्जीज को या फिर आपकी ग्रोथ को, आपकी सक्सेस को डिले कर देना चाहते हैं। यानी कि जो चीज़ आपको आज मिलनी है वो आपको 5 साल के बाद मिले, 5 साल के बाद मिलनी है तो वो आपको 20 साल के बाद मिले, या मिले ही नहीं, इससे ने कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेसिकली ये आपके हर कदम पे एक ऑब्स्टिकल या रोड़ा अटका रहे हैं या अटकवा रहे हैं, कि आपको जो भी जो जो कदम आप आगे बढ़ाते जाएं, बस आप अटकते जाएं, अटकते जाएं और लटकते जाएं, और अटकते जाएं, लटकते जाएं और अटकते जाएं, ये वाला इनका हाल है। लेकिन आप अपने पे मेहनत करते रहिए, अपने कामों को करते रहिए, क्योंकि ये कार्ड आपके हार्डवर्क का रिजल्ट रिजल्ट का कार्ड है, जो कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपने ऊपर हार्डवर्क करें। इसलिए ये आपके काम को, आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स को, आपकी ड्रीम्स को इफेक्ट करने की कोशिश कहीं ना कहीं करते हैं या कर रहे हैं। इसलिए ये बार बार आपके ऊपर सेक्स मैजिक, मून मैजिक, ग्लैमर मैजिक, ताकि आप अपना अंदर ही हो जाए। ये कार्ड है ना कम आउट ऑफ द क्लोजेस्ट का कार्ड, और वहाँ पे है ग्लैमर का कार्ड। तो मून मैजिक और ग्लैमर मैजिक में यही चीज़ें होती हैं, जब ये आपके ऊपर ऐसी नेगेटिव और गंदी एनर्जी प्रोजेक्ट करते हैं कि आप जब भी शीशे में अपने आप को देखेंगे या जब भी आप अपने आप को देखेंगे, आप अपने आप को बदसूरत पाएंगे, या फिर आपको दुनिया वाले बदसूरत पाएंगे, या आपके अंदर कमियां निकालेंगे, या आपकी कमियां बताएंगे, तो और आप खुद को फिर देखेंगे तो आपको लगेगा मुझे छुप के रहना है, मुझे बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि मेरे अंदर ये कमी है, मेरा शरीर ऐसा है, मेरा मुंह ऐसा है, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरा चेहरा, मेरी आंखें, मेरे होंठ ऐसे हैं। ये आपके ऊपर ऐसी एनर्जी प्रोजेक्ट करते हैं जब आपकी सारी एनर्जी को लीच कर लेते हैं। कोई बात नहीं है, आप अपने कामों को करते रहिए और अपनी लाइट को शाइन करते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर। ये कार्ड आपकी, जैसे मैंने कहा, ऑब्स्टिकल यहाँ पे आपकी यात्रा में ऑब्स्टिकल है, और ये कार्ड आपके नॉर्थ नोड का है। नॉर्थ नोड आपकी डेस्टिनी यानी कि आपके भाग्य की एनर्जीज को बताता है। तो आपके भाग्य की एनर्जीज में बार 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 ऑब्स्टिकल रहे हैं, और आप झल्ला कर, खिसिया कर और मुंह बनाकर आप इसको बाहर में भेज दें, या आपकी इन चीज़ों को भुनाना और ख़राब करना चाहते हैं। इसी तरह से आप अपने इमोशंस को, अपने रिलेशनशिप्स को ना देख कर, उनको सही से उनमें रिएक्ट ना करके आप कहीं भाड़ में गए, और जैसे ही आप कहेंगे भाड़ में गए, इन्होंने ऑलरेडी स्पेल वर्क कर रखा होगा, वैसे ही वो चीज़ें भाड़ में चली जाएंगी। एटलीस्ट आपके लिए एक बार तो प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाएगी। तो ये आपके लिए वो एक एक बार की प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसलिए हर हर अच्छी चीज़ का अपनी लाइफ में वेलकम कीजिए, और जो भी नेगेटिव एनर्जीज है उसको कैंसिल क्लियर डिलीट करने के लिए ऑलरेडी आपको डिवाइन ने कहा है। ये कार्ड है सन का, सन यानी कि आपकी सक्सेस का, आपके आगे बढ़ने का। तो आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो न्यू जर्नी है, या आपकी लाइफ की जो यात्रा है, उसको ये लोग टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जो इनर, आपकी इनर चाइल्ड की हैप्पीनेस हो सकती है। आपका इनर चाइल्ड और मदर दोनों ही एक रो में है, तो डेफिनेटली ये आपके मदर वॉन्ट्स की बात करता है।
मे बी आपकी मदर के साथ में आपका रिलेशन अच्छा ना हो, किसी की मदर ना हो, या किसी मदर फिगर के द्वारा आपको कोई हर्ट हुआ हो, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर बचपन की कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको हर्ट करती हैं, तो उन्हीं को भुनाने अपनाने और बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश है कि आप अपना लें उनको और उसी नज़र से अपने आप को देखें। किसी नई जर्नी की आप शुरुआत ना करें, पर वो होगी आपकी, आपकी मेहनत ही आपके लिए रिजल्ट लेकर आएगी, इसलिए आप अपनी तरफ से अपनी मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो ये कार्ड जिस भी तरह से है, तो जैसे कि मैंने कहा कि हर चीज में एक ऑब्स्टकल लगाने की एनर्जीज हैं। ये कार्ड अगर देखा जाए, अगर ये किसी और जगह होता तो ये कार्ड रिलायबल एनर्जीज का नहीं था, लेकिन ये कार्ड जिस कार्ड की एनर्जीज के नीचे है, यानी कि एट ऑफ पेंटकल्स के नीचे है, ये कार्ड ये कहता है कि आपका हार्डवर्क आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देगा और बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। फाइव ऑफ पेंटकल्स का कार्ड है यहाँ पे, ये बिल्कुल आपके लिए लैक की बात करता है। इस लैक से आपके लिए यहाँ पे जो न्यू बिगनिंग्स हैं वो हैं, बिल्कुल वो होगी, आपको डिवाइन वो अपॉर्चुनिटी देगा जहाँ पे आप देख पाएंगे सच और झूठ की परतों को और अपनी हैप्पीनेस को आप आगे बढ़ा पाएंगे। डेफिनेटली जो लोगों को जो करना है अगेन उन्हें करने दीजिए, क्योंकि उसमें आप कुछ नहीं कर सकते और करना भी नहीं है, क्योंकि करके करना क्या है। मैसेजेस आपकी तरफ आ सकते हैं, ये मैसेजेस आपको खुद मिल सकते हैं या फिर आपको ऐसी रीडिंग्स के दौरान मिल सकते हैं, आपको इंट्यूशन हो सकती है, मैसेजेस आपके पास में आएंगे। लेकिन पास्ट के किसी इंसान के साथ आपका कनेक्शन नहीं है, अगर आप बना रहे हैं या आपको इनके थॉट्स आ रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, इनके बारे में कोई सपने आ रहे हैं, ये प्रोजेक्टेड एनर्जीज हैं। सभी को कैंसिल क्लियर और डिलीट करके डिवाइन से प्रेयर कीजिएगा कि इन सबको निकाल दें आपकी लाइफ से। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, सारी सिचुएशन के बारे में क्या गाइड करना चाहते हैं आप। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। इट्स ऑलमोस्ट ओवर, योर करंट चैलेंजेस विल सून बी रिजॉल्व्ड एंड यू विल बी एबल टू लुक टू द फ्यूचर विद अ स्माइल। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप आगे बढ़ेंगे और आपको बढ़ना ही है, आपका हार्डवर्क आपको रिजल्ट जरूर देगा। सब अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। ओके, एक कार्ड लेना था आर्कएंजल माइकल ने, दो कार्ड दिए हैं। रिगेन योर फोकस, आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल मेटाट्रॉन यहाँ चाहते हैं कि आप अपने फोकस को वापस लेके आए। और यहाँ पे ये कार्ड है आर्कएंजल माइकल इस विद यू नाउ। इन कार्ड्स को मैं रिवर्स नहीं लेती हूँ, इवन दो यू कांट सी इट, आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन आर्कएंजल माइकल एक्टिवली इस सिचुएशन पे काम कर रहे हैं, यहीं पे हैं और आपकी मदद कर रहे हैं। तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए, है ना, इससे बढ़कर और हमें क्या चाहिए। आर्कएंजल माइकल आपकी मदद करेंगे सारी सिचुएशन में, और डिवाइन आपकी मदद करेंगे, आर्कएंजल मेटाट्रॉन मदद करेंगे, चाहे ये लोग ब्लॉक करने की कोशिश करें या ना करें, दिस टाइम पे जो होना है उसको होना ही है। डिवाइन विल चलती है, ईश्वर की विल चलती है और किसी की विल नहीं चलती। तो कुछ साइन ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पे मैसेज है एल का 48, हाउसवाइफ आप ये हो सकते हैं, ये मैसेजेस आपके साथ जा सकते हैं, इन लोगों के साथ जा सकते हैं। पैसों से मदद, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जैसे मैंने कहा कि आपको अपने साथ किसी तरह के अजीब डायनामिक में कोई इंसान रोक के रखना चाहता है ऑनलाइन वर्क, तो बिल्कुल आपका ऑनलाइन वर्क हो सकता है जो ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप करें। घर में कलह जाते हैं, आपके बूचर हैं, आपके लिए कोई कंपैशन नहीं है इनके अंदर। विच किट, तो विच किट का यूज कर रहे हैं या विच क्राफ्ट का यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था। जर्नलिस्ट हो सकते हैं आप, ये वो अपने नहीं हैं, भूल जाओ बिल्कुल, ये पास्ट के लोग हैं, इनसे कोई वो नहीं है, अपनी मन की शांति पे फोकस करो। रिटर्न टू सेंडर इनको हो रहा है, इसके रिजल्ट में इनको बीमारियां आ रही हैं जो ये लोग आपकी तरफ लगातार मैजिक भेज रहे हैं। 59 अप्रैल, यू लव यू, फोन पर बातें, फोन पर हो सकता है आपका इनसे लव यू हुआ हो, रेड आईज, तो आपको खूनी आंखों से देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपकी एनर्जी पूरी सक कर लेना चाहते हैं। लुक इनसाइड फॉर आंसर, आपको अपनी इंट्यूशन पे ही ट्रस्ट करना होगा। डबल सी, दो बार, यानी कि हर चीज को आपको दो बार ध्यान से देखने की जरूरत है। LIC, किसी की LIC पॉलिसी से रिलेटेड भी हो सकता है शायद। जे, ब्लैक आईज आपकी इनकी हो सकती हैं।
जुलाई 57, एंसेस्टर की एनर्जीज हैं आपकी, इनहेरिटेंस की एनर्जीज हैं। तो ये आपकी इनहेरिटेंस की भी बात है, आपके एंसेस्टर्स की भी बात है। तो कभी कभी आपकी स्पिरिचुअल, आपकी जो स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस होती है, जो आपको वारिस, जो आपको जैसे आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल रही है वारिस होने के नाते, ऐसी ही आपको स्पिरिचुअली कुछ चीज़ें मिलनी है जो ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपने उस सर्कल को कंप्लीट करें और आपकी जगह उन चीज़ों को ले लेना चाहते हैं, और या फिर ये चाहते हैं कि हट जाएं आप रास्ते से। ओनली मनी, तो पैसों के लिए बहुत कुछ हो रहा है। किसी की LIC पॉलिसी भी है यहाँ पे शायद, 6 या 9 आप कुछ भी मान सकते हैं। आपके पैसे, इनके खर्चे, तो आपने इनकी पैसों से भी मदद की है, जैसे हमने देखा था ना सर्वेंट वाले उसमें, कि पैसों की कमी के, पैसों की कमी को बहाना बना रहे हैं। तो हो सकता है इन्होंने बातें कर करके आपसे पैसे लिए हों। बार बार टेंडर, वेट फॉर राइट मोमेंट, तो एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना है, सही समय का इंतज़ार करना है, लेकिन इंतज़ार ही नहीं करना है, अपने कामों को करते रहना है। 88, लोगों के साथ खाना पीना है आपका या इनका। क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं आप, ये हो सकता है करते हो। टी लॉट, तो लॉट यहाँ पे एक वर्ड बना है, LOT लॉट, तो डेफिनेटली ये बहुत कुछ चल रहा है आपकी एनर्जीज में। मंत्रास, मंत्रास आप ये पढ़ सकते हैं, हो सकता है पढ़ते हो। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग, तो आपके लिए चीज़ें डेफिनेटली बदल रही हैं। आपके और इनके बीच में गुड बाय ऑलरेडी हो चुकी है। और अगर आपके इनके बीच में किसी भी तरह की गुड बाय हुई है, तो बहुत सोच समझ के हुई है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन है। तो अगर आपको 1% भी शक होता है कि आपने अपने पास्ट में जिन लोगों के साथ भी रिश्ते खत्म किए हैं, उसमें आपकी कोई गलती है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई गलती हो, लेकिन उनके साथ रिश्तों को ख़त्म करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, उस लेवल पे पहली तो ये वैसे आपकी ही चॉइस है, लेकिन जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ उसके अनुसार मुझे ये लग रहा है कि आपने बहुत सोच समझ कर अपने रिश्तों को ख़त्म किया है, क्योंकि शायद आपने इन लोगों को बहुत देख लिया, बहुत आजमा लिया, और बहुत इनकी हरकतें, या फिर इनकी यूं कह लीजिए कि इनकी रियलिटीज़ आपने देख ली, आपने इनकी, इनके पर्दे उतरती हुई खुलती हुई देख ली, और बहुत कुछ आपने ऐसा देख लिया जो आप नहीं देखना चाहते थे। तो इसलिए ही अगर आपने इनके साथ अपने संबंध खत्म किए हैं, तो आपने सोच समझ के किए हैं, उसके लिए आपको कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास्ट से आप किसी को भी वापस लेते हैं, यह आपकी गलती होगी, आपका पास्ट पास्ट में किसी रीज़न की वजह से है, उसको वहीं रहने देना है। तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा फैमिली, और बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।